जब हम प्राणायाम की बात कर रहे हैं तो अभी मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा प्राणायाम का जो तरीका है उसको मैं दो भागों में विभक्त करता हूँ। पहले भाग में वो जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो, हमारे शरीर का तापमान बढ़े, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट्स इसमें बढ़ना स्वाभाविक होता है, जिससे भस्त्रिका है, कपालभाति है और बाह्य या अंतकुंभक के जितने भी प्राणायाम हैं वो हैं। नाड़ी शोधन के बाद वाले जो प्राणायाम हैं जिसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है, पसीना अपने आप सूख जाता है, नींद आने लगती है, स्वत अच्छा लगने लगता है, रिलैक्स हो जाते हैं, दिल की धड़कन वापस सामान्य हो जाती है या धीरी हो जाती है, तो वो जो प्राणायाम हैं चाहे उसमें उज्जायी है, भ्रामरी है और ओम का उच्चारण के